वीरू भाई, कि अगर आप अभी आप केकेआर के कैंप में अगर आप होते, तो आपके हिसाब से सर टॉप ऑर्डर ने आज करा क्या है? मतलब एक तरीका होता है कि आज गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई तो जनाब चला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि बल्लेबाजी वॉज लुकिंग सो ऑर्डिनरी? अर्जुन, एक भी डिसमिसल ऐसे नहीं था कि गेंदबाज ने आउट किया हो। कोई एक भी ऐसी बॉल नहीं थी कि जो वाकई में विकेट टेकिंग डिलीवरी जिसको बोलते हैं। शुभमन गिल को ले ले, पावर प्ले में उन्होंने पूरा खराब किया, बाद में छक्का मारने गए आउट हो गए। चाहे आप ओपनर त्रिपाठी की बात करें, कड़क शॉट मारा उन्होंने, अच्छा कैच पकड़ा, वो भी गेंद आउट होने वाली नहीं थी। दिनेश कार्तिक क्या शॉट खेल रहे थे, जरूरत नहीं थी उस समय, वो उल्टे सीधे आराम से नॉर्मल क्रिकेट खेलते तो भी शायद वो 50 रन बना सकते थे विकेट पर, अपनी टीम को उस सिचुएशन से निकाल सकते थे। तो वो भी कोई विकेट टेकिंग गेंद नहीं थी। तो एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है कि कोई विकेट टेकिंग, एक मैं मान सकता हूँ एंडर रसल, बट अगर वो भी नॉर्मल खड़े होकर खेलते तो वो बॉल वाइड हो जानी चाहिए थी, या वो बॉल बड़े आराम से बच जाती, वो भी आउट होने वाली कोई ऐसी डिलीवरी नहीं थी। तो जब गेंदबाजों ने उनको आउट करने की कोशिश ही नहीं की तो बल्लेबाज खुद आउट हो जा रहे थे, दोष किसको थे? तो मुंबई के गेंदबाजों की ये जरूर तारीफ करनी होगी, उन्होंने प्रेशर बनाए रखा, वो डॉट बॉल या उनको चौके वाली बॉलें ना देकर, जिसके कारण शायद सभी बैट्समैन प्रेशर में आए और गलत शॉट मार मार के आउट हुए। तो मुझे लगता है कि खराब बल्लेबाजी। और मैं इस समय अगर कोलकाता के खेमे में होता ना, अपना बस्ता पैक करता और निकल जाता होटल की तरफ। हाँ